मैं सुरेश कन्हैयालाल बेरवानी, ग्लोबल ग्रुप ऑफ कंपनीज का मैनेजिंग डायरेक्टर। ग्लोबल ग्रुप ऑफ कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग एंड 100% एक्सपोर्ट करती है बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, राइस एंड शेविंग ब्लेड्स। ग्लोबल ग्रुप ऑफ कंपनीज में हम लोगों के जो भी यूनिट्स हैं उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका बहुत ज़्यादा क्वालिटी और हाइजेनिक सिस्टम से बनाया जाता है। जो भी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं उसको इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर लैब टेस्ट होने के बाद ही इसको यूज़ किए जाते हैं, एज वेल एज राइस प्लांट के अंदर हो, चाहे बिस्किट्स हो, चाहे कन्फेक्शनरीज हो, चाहे और कोई सिरप प्रोडक्ट्स हो, हर चीज़ को प्रॉपर QC लैब के बाद ही हम लोग उसके इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने के बाद प्रोडक्ट को फाइनल टच देते हैं। हमारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और मार्केट में शॉर्टेज के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में शेविंग ब्लेड का FMC मार्केट के अंदर हमारे को ये चीज़ दिखी कि काफ़ी सालों के साथ ये चीज़ जो है मार्केट में नई मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई नहीं है। तो हम लोगों ने एक इसके पीछे काफ़ी R&D करके हम लोगों ने ब्लेड डिवीज़न एक स्टार्ट किया और शेविंग ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लानिंग किया, जो हम लोग काफ़ी हद तक सक्सेस हो गए। हम लोगों के पास जो इंटरनेशनल लेवल के साथ देखा जाए तो आज के तारीख में इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू फूड FSSI का सर्टिफिकेशन है, उसके साथ साथ में हम लोग ISO 2001 सर्टिफिकेशन है। कुछ कंट्रीज़ में हम लोगों को वहाँ की लोकल सर्टिफिकेशंस की जरूरत होती है, जिस तरह से नाइजीरिया टाइप मटेरियल जाता है तो उधर हम लोगों को NAFDEC की रिक्वायरमेंट रहती है, तो NAFDEC सर्टिफिकेशन हमारे पास है। ये सर्टिफिकेट्स मिलने के लिए हम लोगों को काफ़ी परिश्रम करना पड़ा, जिसके लिए हम लोगों को काफ़ी क्वालिटी टेस्ट और काफ़ी हम लोगों को अपने मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बदलाव लाने पड़े, जिसकी वजह से हम लोगों का इंटरनेशनल मार्केट में आज नाम है और हम लोग उस प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन के जरिए भी हम लोगों को काफ़ी बेनिफिट्स हो रहा है और जो फ्यूचर में भी हम लोग अपनी नई प्रोडक्ट्स लाने की प्लानिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से भी हम लोग आगे फ्यूचर में इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करें जिस तरह से हम लोगों को ये प्रॉब्लम्स आगे फ्यूचर में नहीं है। हम लोगों का जो मेनली कस्टमर फोकस है वो मिडिल ईस्ट कंपनीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ है, जहाँ पे इंडिया से काफ़ी मटेरियल जाने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इंडिया के अंदर अभी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं एक्सपोर्ट रिलेटेड इतनी इजी होने के चांसेस और भी लग रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे को बहुत प्रॉब्लम कम होंगे इन फ्यूचर में, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकेगा। हमारी कंपनी का फ्यूचर विज़न यही है कि हम लोग जितना अभी ग्रो किए हैं और जिस तरह से मार्केट में ग्रो कैपेसिटी के हिसाब से 20-25% का ग्रो बिस्किट, कन्फेक्शनरी एंड अदर प्रोडक्ट्स में लग रहा है, तो फ्यूचर में आने वाले 3 से 5 साल के बीच में हम लोगों को लगता है कि हमारी कंपनी और इतना ही जितना मैन्युफैक्चरिंग अभी कर रही है 100% और ग्रो करने के चांसेस हैं। हम लोगों का कंपनी 5 साल पहले जो हमने कंपनी 2005 में स्टार्ट किया, 2005 के बाद 2007 तक हम लोगों ने काफ़ी अच्छी मशीनरी लगाई, कुछ टेलर मेड मशीनरियाँ फैक्ट्री के अंदर स्टार्ट की, जिसकी वजह से हमारे को और अच्छी प्रोडक्ट बनाने में एक सफलता मिली। हम लोगों का 2009 में जिस टाइम राइस प्लांट हमने लगाया उस टाइम हमारे को ये पूरा का पूरा प्लांट जापान से हमने इम्पोर्ट किया। जापान से ये मटेरियल इम्पोर्ट आने के बाद जब प्लांट स्टार्ट हुआ तो हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी और हद तक बढ़ गया। हम लोगों ने इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी बनाना चालू कर दी, इसके अंदर हम लोगों ने और प्रोडक्ट्स ऐड की। अभी रिसेंटली हमने जब ब्लेड डिवीज़न के अंदर भी एक और प्लांट एंड मशीनरी लगा रहे हैं, जो वो भी अपने आप में एक टेलर मेड है, जिसकी प्रोडक्शन हमारी आने वाले 6 से 12 महीने में ऑलमोस्ट 3 times बढ़ जाएगी। जैसे ही हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाने के बाद हम लोग मार्केट में जाएंगे तो कुछ और नया देंगे, और आने वाले 5 साल तक हमारे को ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी की जो टर्नओवर है आज की पोजीशन से ऑलमोस्ट डबल हो जाने के चांसेस हैं। कंपनी में आज की तारीख में जो भी एम्प्लॉयज़ छोटे से छोटा अनस्किल लेबर है उससे लेके मैनेजमेंट लेवल तक के, चाहे उसके अंदर बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग हो, कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरिंग हो, राइस मैन्युफैक्चरिंग हो, ब्लेड डिवीज़न हो, हर मैन्युफैक्चरिंग लाइन पे मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ से भी उनको हर सुविधा दी जाती है। हम लोग हमारे कंपनी के अंदर ESI के जरिए और डॉक्टर्स जो हैं वीकली हमारे वहाँ आते हैं, उनको उनके छोटे से छोटे लेबर को उनको चेक करना, हमारे को उनको कुछ भी अगर
मेडिक्लेम के हिसाब से या मेडिसिन लाके देने के हिसाब से भी हम लोग उनको पूरी तरह की हेल्प करते हैं। हमारे कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट तीनों प्लांट के अंदर अहमदाबाद, धोलका एंड कांडला हम लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है। जो भी हमारे फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स हैं उनको डे एंड नाइट में डिनर और लंच के लिए कंपनी की तरफ से हम लोग उनको अच्छी क्वालिटी का फूड प्रोवाइड करें, जैसे उनकी सेहत अच्छी तरह बनी रहे। क्वालिटी के मामले में हम लोगों के जो भी प्लांट एंड मशीनरी है, जो भी डे बाय डे अपग्रेडेशन आते हैं, उस अपग्रेडेशन करते हुए उसके साथ साथ स्किल अनस्किल जो भी हमारे साथ मेन पावर जॉइंट होता है उनको प्रॉपर एक महीने की ट्रेनिंग देके, उस मशीन की जानकारी देके, उस मशीन के साथ क्वालिटी इंश्योर दे सकें, उस तरह से हम लोग पूरा प्लान करके ही हम अपने हैंड्स के साथ आगे चलते हैं। हमारी कंपनी का क्वालिटी और कंटिन्यूस ग्रोथ को देखते हुए 2010 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमारी कंपनी को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है।